दुबई के प्रिंस शेख हमदान के पास इतना पैसा है कि अगर 200 लोग ये पैसा गिनने बैठे तो इनको एक साल का वक्त लग जाएगा। क्यूरा ट्यूब के वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। आज हम लाए हैं क्यूरा सीरीज पार्ट 5। आपको बता दें कि दुबई के शाही खानदान के पास इतना पैसा है कि उनके आगे छोटे मोटे टीवी स्टार किसी मजदूर से कम नहीं है। उनकी एक वजह है सिर्फ पैसा। आप आज जानेंगे कि दुबई के शाही खानदान के पास कितना पैसा है। हर वक्त पानी की तरह पैसा बहाने के बावजूद भी आखिर इनके पास पैसा खत्म क्यों नहीं होता। इस टॉपिक के पहले जानना जरूरी है कि हम एक नज़र दुबई के शहजादे पर जरूर डालें। दुबई के शहजादे का पूरा नाम शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन रसीद अल मखदूम है, लेकिन इनको पूरी दुनिया इनके इंस्टाग्राम नेम फाजा के नाम से जानती है। इनके पास इतना पैसा है कि 200 लोग पैसा गिनने बैठे तो उनको एक साल का वक्त लग जाएगा। अब बात करते हैं कि शेख हमदान गाड़ियों के अपग्रेड में कितना पैसा खर्च करते हैं। इनकी अपग्रेड्स ये नहीं होती हैं कि गाड़ियों में लेदर सीट लगवा लिए या फ्रंट कैमरा, बल्कि इनकी अपग्रेड होती हैं गाड़ियों के ऊपर 24 कैरेट गोल्ड की कोटिंग करवाई जाए, जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरी गाड़ी की गोल्ड प्लेटिंग की कीमत का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितनी कीमत हो सकती है। इससे भी बढ़कर क्या है, 40 करोड़ रुपए की ऊटनी। जी हाँ, सही समझे, 40 करोड़ की ऊटनी। शेख हमदान को एक जगह बहुत ही सुंदर ऊटनी नजर आई तो उन्होंने उसकी 4 गुना कीमत देकर ऊटनी को अपने नाम करवा लिया, और ये ऊटनी थी 40 करोड़ रुपए की। एक तरफ तो शेख हमदान की साह खर्चियां, लेकिन दूसरी तरफ शेख हमदान एक इंतहा दरिया दिल इंसान भी साबित हुए हैं। शेख हमदान और दुबई के शाही खानदान की साह खर्चियां और दरिया दिल के हवाले से अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए क्यूरा ट्यूब की तरफ से आप सभी को धन्यवाद।